शाह अफरीदी ने फिर दिखाए घातक तेवर, पहले रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा, फिर विराट को आउट किया। साल 2021 से वनडे में रोहित छठी बार और विराट चौथी बार बाएं हाथ के तेज। दुनिया भर में नए अध्याय के लिए राइवलरी तैयार। पहली गेंद ऊपर की तरफ रोहित के बैट से लगी, एक खत्म। ऑल राइट, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इस इज एवरीडी के वेलकम टू द ब्लॉग, स्वागत है आप सबको। और आज सुबह ही सुबह आज फिर इंडिया पाकिस्तान मैच, एक बिग राइवलरी, और सुबह देख सकते हैं अभी तक सूरज भी नहीं आया और मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं और आप लोग लेकर चलते सफ़र पे। और देखिए ये मेरे गाड़ी में सारा लोग सो रहा है, ये सबको कुछ पता ही नहीं है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ मैच के लिए, कुछ पता नहीं है लोग को भी। ये लोग भैंस बेच कर सो रहे हैं, बस ये भाई देख रहा था मेरे को। हार गए, मैच क्या फ़र्क पड़ता है, और आज इंडिया पाकिस्तान को हराएगा तो अपना बदला भी पूरा हो जाएगा, और कल नहीं परसों हम लोग इंडिया को भी हरा देंगे तो बराबर इक्वल आई थिंक सो। सो कोई नहीं, कौन कौन एक्साइटेड है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए सुबह से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सीधा मिलेंगे मैच के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मैच देखने के लिए। सो ब्लॉग के एंड में एक चीज़ और आप लोगों को पता लगने वाला है, आज एक मेहमान आने वाला है इस ब्लॉग में, इंट्रोड्यूस न्यू पर्सन को होने वाला है, माय ब्लॉग का एक नया मेंबर जो है उनसे मिलाएंगे आप लोगों को। सो मिलाते हैं आप लोगों को, एंड में मिलाएंगे, एंड में ही वो आएंगे, आज आने वाले हैं। सो उनसे आप लोगों को मुलाकात कराएंगे, और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को और इंडिया पाक मैच को जो मैं भी कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या होता है मैच में। भाई सो अब से कुछ ही देर में चालू हो जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, और प्रिडिक्शन जो बता रहा है वो थोड़ा पानी पड़ने का भी बता रहा है, आई होप पानी ना पड़े और मैच अच्छे से हो और रोहित शर्मा रन बनाए, इट्स माय फेवरेट। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो पता होगा मेरा इंस्टा आईडी दीपक कापर 45 है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं रोहित भाई को फॉलो करता हूँ, रोहित सर को फॉलो करता हूँ एक्चुअली। सो मैं चाहता हूँ कि पानी तो ना पड़े और शाहीन शाह अफरीदी को एक खुन्नस से और बदला लेना है तो पानी नहीं पड़ना चाहिए आज, और विराट कोहली आज तगड़ा मैच होने वाला है, पानी पड़ेगा तो फिर सारे उम्मीद पे पानी पड़ जाएगा, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी नहीं पड़ना चाहिए। ये 9 o'clock हो गया यार, क्या बोलते हैं, रहा नहीं जा रहा है मैच को। ओह 12:30 में है एक्चुअली, मैं कतर में हूँ तो इसलिए यहाँ पे 12:30 में चालू होगा मैच, क्योंकि तब तक वहाँ पे 3 बज जाएगा इंडिया में, नेपाल में, कहीं पे भी। सो वेट कर रहे हैं मैच के लिए यार, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रोहित शर्मा की बैटिंग देखने के लिए, विराट कोहली का बैटिंग और बूम बूम का स्पेल के लिए। कब तक होगा यार, जल्दी से चालू करो जल्दी से। What have you decided? We're going to bat first. What do you make of this weather? Does it change your plans in any way? Honestly, I mean, look, there is a bit of weather around, but we can't think too much about it. At the end of the day, you've got to come out and play good cricket.
ओके भाई इग्नोर करो सब कुछ को इग्नोर करो अभी फिलहाल, क्योंकि टच हो चुका है और रोहित भाई ने मुस्कुराते हुए बैटिंग चूज किया है। अरे यार कोई नहीं, अच्छा है, मतलब कि इतना स्कोर कर देंगे कि पहुँच ही नहीं पाएगा उतना तक। अच्छा सोच है रोहित भाई, देखते क्या होता है घटता है। सीधा मुस्कुराते हुए बोल दी, सीधा जैसे टॉस जीता उसी टाइम बोल दिया रोहित शर्मा वी गोना बैट फर्स्ट लाइक दिस। देख सकते हैं बिल्डिंग मेरे पीछे, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, ऐसा त्रिकोण टाइप का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मैच इंजॉय करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को मैच। आना साना देखने के लिए वक्त रुक जाता है दुनिया भर में, नए अध्याय के लिए राइवलरी तैयार। पहली गेंद ऊपर की तरफ रोहित के बैट से लगी, एक खत। अरे यार ये क्या हो गया यार, इतना अच्छा गेम चल रहा था, क्या मस्त रोहित शर्मा ने जो जो प्लान लेके आया था शाहीन साइफरीदी वो सबको फेल कर चुका था। दो तीसरा ओवर था, तीसरा ओवर का दूसरा बॉल भी खलास हो गया था। क्या है यार 15 रन और कोई लॉस नहीं, इंडिया भी कितना अच्छा चल रहा था और ये बारिश बीच में कहां से आ गया। उफ देखते हैं यार कब तक बारिश होता है, कब तक जल्दी बारिश खलास हो जाओ यार, जल्दी से जल्दी। ओके भाई फाइनली ड्यूटी अपना खलास हो गया है और बताओ बुरा हालत है अभी इंडिया का, साला 3 आउट हो गया भाई, 3 आउट हो गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश अय्यर भी चला गया। और ये रहा बिल्डिंग जिसमें मैं काम करता हूँ, आप लोग को दिखा दूँ। और मेरे पास नेट नहीं है अभी एक घंटा के लिए, पता नहीं क्या होगा। ईशान किशन और सुमन गिल खेल रहा है, आई होप दे विल डूइंग वेल, अच्छा करे। और बाकी रिपोर्ट देता हूँ आप लोगों को रूम पहुँच के, क्या होता है क्या नहीं। ओके फाइनली 266, एक अच्छी टोटल की तरफ, इंडिया का अच्छा टोटल है। ईशान किशन हैट्स ऑफ यू, हार्दिक पांड्या हैट्स ऑफ यू ऑल्सो, थोड़ा सा आपका इज्जत कम था बट ठीक है, अच्छे खेले आपने आज, बहुत ग्रेट किए। और बाकी दामादार ने बुमराह भाई और सिराज पे, आई होप दे आर डूइंग वेल, और अच्छा करेंगे तो जीत भी सकते हैं। अच्छा टोटल है, 267 बनाना होगा पाकिस्तान को, ये कम नहीं होने वाला है। सो आई होप डूइंग वेल और देखते हैं आगे क्या होता है, पाकिस्तान कैसे खेलता है और बुमराह और सिराज पे नज़र होगी ज़्यादातर। सो मिलते हैं आप लोगों से मैच के बाद क्या होता है। फाइन मैच सस्पेंडेड, खलास ख़त्म, कहानी खलास। 266 पाकिस्तान बना सकता था क्या, कर सकता था क्या बाबर, आई थिंक सो कर सकता था बट नहीं किया। ओके मिलते अगली नेक्स्ट एपिसोड लेके, आज के लिए इतना ही, सस्पेंड हो गया आई हो, अगर मैच होता तो मज़ा आता था, नहीं हुआ कोई नहीं फिर भी अच्छा है। मिलते नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, मेक सम सब्सक्राइब और लाइक, हिट द बेल आइकन। So